नबी के यहाँ जो दिल में है बसाने वाले हैं, नबी के यहाँ जो दिल में है बसाने वाले हैं, नबी के यहाँ जो दिल में है बसाने वाले हैं, नबी के यहाँ जो दिल में बसाने वाले हैं, नबी के यहाँ जो दिल में बसाने वाले हैं, कसम खुदा कि वो जन्नत में जाने वाले हैं। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कसम खुदा के वो जन्नत में जाने वाले हैं, कसम खुदा के वो जन्नत में जाने वाले हैं, और खुदा के वास्ते सजदे में सर झुकाते हैं, कसम खुदा की वो सजदे, कसम खुदा के वास्ते सजदे में सर झुकाते हैं, कसम खुदा खुदा के वास्ते सजदे में सर झुकाते लिपे हम ते झुकाने वाले हैं, कसम खुदा कि वो जन्नत में जाने वाले हैं। हुसैन की मोहब्बत होगी वो खामोश नहीं बैठेगा, कीमती उलमा इकराम के मेरे रसूल पर बैठे हैं, शेर पढ़ता सुनिए के गवाह कर वो बला देंगे ते उन नवासों के, गवाह कर वो बला देते उन नवासों के, गवाह कर वो बला देंगे ते उन नवासों के, गवाह कर वो बला देंगे उन नवासों के, नबी के आन, नबी के आन पे जो सरे कटाने वाले हैं, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
हजरत एक शेर हजरत के दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, सारा जमाना मेरे हुसैन का है। जो बदलता है सबकी तकदीरें, जो बदलता है सबकी तकदीरें, वो घराना मेरे हुसैन का है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत चूंकि खतीब आ चुके हैं और खतीब आने का मतलब ये होता है कि अब जल्दी आपको खत्म करना है। मैं इशारा समझ गया हूं, क्योंकि ये इसाले सवाब का प्रोग्राम है और यहाँ किसी के वाले साहब कब्र में है, किसी की माँ जो है वो कब्र में है और किसी के खानदान वाले कब्र में है। मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ माँ की शान में, उसके बाद अपनी जगह देता हूं। अब्दुल जब्बर भाई तैयार रहिएगा, एक मतलब सुनिएगा। देखिए हो सकता है अभी इस कलाम को मैंने सिलीगुड़ी में पढ़ा था, तो अभी जस्ट ये कलाम यूट्यूब में आया है। मैं मतलब साहब की बात सुनिएगा कि माँ की अजमत, सुनिएगा माँ की अज़मत। जो अपने माँ को सताते हैं, तकलीफ देते हैं, आज यहाँ तौबा कर ले। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ रहा हूँ, अभी बहुत लाया हूँ, दूसरे राउंड में पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला। जो जो फरमाइश है सुनिएगा कि माँ की अज़मत, माँ की अज़मत नज़र लगे आगते, माँ की अज़मत के माँ की अज़मत नज़र लगे आगते, माँ की अज़मत नज़र लगे आगते, माँ की अज़मत नज़र लगे आगते। जो भाई हमारे हमारे बैठे हैं, जो आ गए नसीब से आ गए, क्योंकि ये जो महफिल है इसमें कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता है, है ना, है ना। जिस पर कर्म होगा वही आएगा। अब सुनिएगा कि गाली जाते देखो सगे में, गाली जाते देखो सगे में, गाली जाते देखो सगे में, उनकी इज्जत, उनकी इज्जत, उनकी इज्जत नजर लगे आगते, उनकी इज्जत, उनकी इज्जत नजर लगे आगते, माँ की अज़मत। और जिसने पाला पिलाया पौने जिगर, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार गए, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार गए, के गाली जाते उनकी इज्जत, उनकी इज्जत नजर लगे आगते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, शायर इस्लाम जनाब शाहिद कमार इस्लामपुरी, शायर इस्लाम जनाब शाहिद कमार इस्लामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग दुनिया में हर चीज जो चाहे खरीद सकते हैं,
सोना भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, कपड़ा भी खरीद सकते हैं, घर मकान जमीन कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जात है जिसको आप नहीं खरीद सकते हैं और वो आपकी माँ है। है कि नहीं? एक पैगाम देता हूँ, अगर आप माँ को सताएंगे और फिर तहज्जुद के साथ छह वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो भी आपके लिए जन्नत है। है ना, माँ को राजी कीजिए, नमाज पढ़िए, जन्नत पर जाएंगे। शेर पढ़ता सुनिए कि जिसने पाला पिला के खोने जिगर, जिसने पाला पिला के खोने जिगर, जिसने पाला पिला के खोने जिगर, अब वो देखे मार, अब वो देखे मार, अब वो देखे मार, नजर लगे आती माँ की अज़मत नजर लगे आती प्यारी आता नजर लगे आती माँ की अज़मत माँ